उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही उठापटक पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में पूर्ण बहुमत के बाद भी पहले की स्थिति चल रही है, बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया गया है, लेकिन उनके बावजूद भी तमाम बीजेपी के नेता दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं। ऐसे में साफ तौर से अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्ण बहुमत की बीजेपी सम्मान नहीं कर रही है। वहापो की स्थिति क्यों बन रही है और एक राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश के ऊपर क्यों गहराई हुई है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंडेट का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इतना बढ़िया मैंडेट मिलने के बाद भी आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए जा चुके हैं, उसके बाद भी लोग दिल्ली दरबार की ओर दौड़ लगा रहे हैं, तो औचित्य कहाँ से रह जाता है इन पर्यवेक्षकों की? इनकी भूमिका क्या रह जाती है अगर सबको दिल्ली ही जाना है? और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ऊपर से ही एक नाम आएगा जो सारे विधानमंडल दल के ऊपर थोप दिया जाएगा। ये कहना कि विधानमंडल